morning, children. Today is Wednesday, the 22nd of April. And today in your online classes, we have to study English. I'm sure you are enjoying your online classes. And I'm happy that you are doing your worksheets well. और मैं पेरेंट्स को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों के साथ कोऑपरेट किया है और हमें भी अपना अच्छा रिस्पांस दिया है और उसके लिए मैं आपकी धन्यवाद देती हूँ. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश एंड द टॉपिक फॉर टुडेज लेसन इज सेंटेंस. सो वी आर गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट सेंटेंसेस टुडे. In most of the classes, right from class 1 up to class 10, the first lesson starts with sentence. So, we will learn what is a sentence and what are the kinds of sentences today. Then in the next week, we will learn how to make sentences. Sentence, this is the pronunciation. Sentence. And a sentence is a group of words that make complete sense. If you say my uncle is an engineer, so my uncle is an engineer. These are 1, 2, 3, 4, 5 words which together make a complete sense. कि मेरे अंकल एक इंजीनियर हैं. और वी कैन से सुनीता गोज टू स्कूल एवरी डे. सो ईच वर्ड देयर, सुनीता गोज टू स्कूल एवरी डे, टुगेदर मेक्स अप अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट इज गिविंग अ सेंस. इट इज टेलिंग दैट सुनीता गोज टू स्कूल एवरी डे, हर दिन सुनीता स्कूल जाती है. लेकिन अगर हम कहें द स्लोली लेडी वॉक्ड ओल्ड, तो आप कहोगे ये मैम आप क्या गड़बड़ शड़बड़ बोल रहे हैं, है ना. स्लोली लेडी वॉक्ड ओल्ड, ओल्ड लेडी होना चाहिए. यू आर राइट चिल्ड्रन, होना चाहिए द ओल्ड लेडी वॉक्ड स्लोली. इससे क्या मिल रहा है हमको, कंप्लीट सेंस मिल रहा है कि एक ओल्ड लेडी है जो धीरे धीरे चल रही है. अब ये सेंटेंस बनता कैसे. इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट होते हैं, ये तो आप नर्सरी से सीखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक. और फिर आप उसी से, जब आप नर्सरी में फोनिक्स सीखते हैं, तो सी ए टी कैट, आर ए टी रैट, यानी सी ए टी लेटर्स को मिला के एक वर्ड बन जाता है कैट. जैसे यहां हमने एक वर्ड बनाया है तीन लेटर्स को लेके, आर ई डी रेड, और फोर लेटर्स को लेके बनाया है आर ओ एस ई रोज. उसी से और भी उसमें कुछ वर्ड्स मिला दिए, जैसे दिस इज अ रेड रोज, तो ये बन गया एक सेंटेंस. So, I'm sure you have understood. You already know. We are just revising it. So, now we know what is a sentence and how we can group the letters into words and words into a complete sense-giving sentence. But, now we are going to learn what kinds of sentences are there. How many types or kinds of sentences are there? The first kind of sentence is called assertive. Assert करने का मतलब है किसी चीज को declare करना, बताना, inform करना. तो अगर हम किसी चीज को सीधे सीधे inform करते हैं, जैसे this is my skill, my sari is red, I am a teacher, ये सब मैं अपने बारे में बता रही हूं. या अगर मैं कहूं He is going to Delhi today. तो मैं किसी के बारे में जो दिल्ली जा रहा है बता रही हूं. अगर मैं ये कहूं रेखा इज माई फ्रेंड, तो मैं अपनी फ्रेंड के विषय में बता रही हूं. तो कोई भी बात जो स्टेटमेंट दी जाती है
उसको हम कहते रखते हैं assertive sentences में. Assertive sentence दो तरह का होता है, positive और negative. Positive वो है जिसमें पता चले क्या हो रहा है या कौन है, और negative वो है वो बताता है कौन नहीं है या क्या नहीं हो रहा है. जैसे Rekha is my friend, positive है. Rekha is not my friend, negative है. He is going to Delhi today, positive है. He is not going to Delhi today, negative है. So children, now you know what is assertive, a declarative sentence which either tells what is happening or what is not happening, positive and negative. Now, after assertive, the second kind of sentence is called interrogative. You should say interrogative. Interrogative आया है interrogate करने से, किसी से प्रश्न करना, किसी से कुछ पूछना. उस प्रकार के sentences को हम कहते हैं interrogative, या उसको question type of sentences भी कहते हैं. अब questions बनाते कैसे हैं हम? दो तरीके से. बी वर्ब आपको मालूम है, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड. इनसे शुरुआत करके जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वो इंटरोगेटिव कहलाते हैं, और उनके आंसर यूजुअली यस या नो में आते हैं. फॉर एग्जांपल, आर यू ओबेइंग द रूल्स ऑफ लॉकडाउन? आप कहेंगे यस मैम. ये हो गया बी वर्ब्स का सेंटेंस. अगर हम आपसे पूछते हैं हैव यू रेड द इंग्लिश बुक, आप कहेंगे नो मैम. ये भी हो गया आपका बी वर्ब से सेंटेंस. सो इज, एम, आर से सेंटेंस बना सकते हैं, और आप डब्ल्यू एच वर्ड से भी सेंटेंस बना सकते हैं. इनके आंसर में आपको कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देना होता है. यहां तो यस और नो बोल सकते हैं. आर यू रीडिंग? यस मैम. आर यू क्लीनिंग? नो मैम. आर यू रनिंग? यस मैम. आर यू जंपिंग? नो मैम. बट यहां अगर हम आपसे पूछे व्हाई आर यू रनिंग, तो आपको बोलना पड़ेगा बिकॉज द डॉग इज चेजिंग मी, है ना, पूरा आंसर देना पड़ेगा. तो व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, Who, ये सब डब्ल्यू एच से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स हैं, और इनको मिला के भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, और ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब बच्चों ये जरूर याद रखिएगा, जब असर्टिव में पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो शुरुआत आप कैपिटल लेटर से करिएगा फर्स्ट वर्ड की, और एंड आप फुल स्टॉप से करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. दूसरी बात, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब आप बनाएंगे तो शुरुआत तो सब में आप कैपिटल से करेंगे, इंटरोगेटिव में एंड आप किससे करेंगे? क्वेश्चन मार्क से. ऑलराइट, सो थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंस. असर्टिव, इंटरोगेटिव, देन कम्स इंपेरेटिव. ऐसे सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से, एंड फुल स्टॉप से. और ये वो सेंटेंसेस हैं बच्चों जिनमें आपको कोई ऑर्डर नजर आए या कोई आपको रिक्वेस्ट नजर आए. ऑर्डर जैसे शट द डोर, या कम हियर, डोंट स्टैंड देयर, ये सब कमांड या ऑर्डर है. और इसमें रिक्वेस्ट भी हो सकती है, प्लीज bring me a glass of water, please give me your pencil. ये request है. So अगर हम request किसी से कर रहे हैं या किसी को order दे रहे हैं, command कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा? Imperative sentences में. इसके end में भी हम full stop लगाएंगे. So we have learnt about assertive, interrogative, imperative. Now the last kind of sentence that we know or we have to learn about is exclamatory. Exclamatory. Exclamatory sentences. Exclamatory sentences के end में
हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. इन चीजों को जरूर याद रखिएगा बच्चों. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो सेंटेंसेस जो आप मैसेजेस में इमोजी भेजते हैं ना, स्माइल कर रहे हैं, रो रहे हैं या बड़े खुश हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, वो इमोशंस हमारे दिखाते हैं. जैसे अगर मैं एक सुंदर सा रोज अपने गार्डन में देखूंगी तो मैं कहूंगी व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज. ये मेरे इमोशन को दिखा रहा है कि मैं उसको देख के बहुत खुश हूं. या मैं क्लास में जाऊंगी तो अपनी स्टूडेंट्स को देख के कहूंगी वाओ यू लुक सो प्रिटी, यू ऑल लुक सो प्रिटी. या मैं बॉयज को देख के कहूंगी यू ऑल लुक वेरी स्मार्ट, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. ये सब चीजें हमारे इमोशंस को दिखा रहे हैं कि हम देख के कितने आश्चर्यचकित हैं. सो दैट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. या जब क्रिकेट का मैच जीत जाते हैं तो क्या कहते हैं? हुर्रे आई वन द मैच. हुर्रे उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को दिखाता है. सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट सेंटेंस एंड सेंटेंसेस आर four kinds, assertive, interrogative, imperative and exclamatory. I'm sure you've understood everything, children. We will meet again next week, Wednesday. Till then, take care, stay home, stay safe. Ma'am loves you very much. God bless you.